जय सत्यम सिद्धानम है। इस आश्रम से जुड़े हैं मुझे 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले जब मैं आई थी, गुरुजी से पहली बार हमने अपने बारे में कुछ जानना चाहा। वो तब ऐसा लगा जैसे गुरुजी सच बता रहे हैं कि हमें आगे होने वाला है या नहीं होने वाला, ये सोच कर आए थे। मगर वो सारी बातें सच होती देख कर तो ऐसा लगा कि वास्तव में हमें एक पृथ्वी पर एक रास्ता बताने वाला गुरु मिल चुका है। उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ और जाननी चाही कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। वो बात जब सच हुई तो ऐसा लगा वास्तव में जॉब की ना इच्छा होते हुए जॉब जब लगी तो बहुत खुशी का हमारा ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद जब मेरी जॉब लग गई, फिर मेरी शादी हुई, शादी का मेरी बेटी हुई। बेटी होने के बाद जब मैं अस्पताल में जा रही थी, तब मैंने ये सोचा कि आने वाली पीढ़ी में हमारे क्या संतान होने वाली है। तो तब ऐसा लगा जैसे लड़की ना हो, लड़का ना हो, लड़की हो। क्योंकि गुरुजी के आश्रम में जो चाहना है, एक शिष्य की चाहना नहीं, शिष्या की चाहना है। तो मुझे लगा कि मेरी बेटी ही हो। तो वो जब हुई तो और ज़्यादा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर क्योंकि एक समाज में हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं, हिंदू रीति रिवाज में लड़की ही चाहना बहुत ज़्यादा हो गई है, लड़के की भी और लड़की की भी। जब लड़का हुआ तो ऐसा लगा कि हमारे रक्षाबंधन भैया दौज खाली रह जाएंगे अगर भाई नहीं हुआ तो। फिर मेरा जब बेटा हुआ तो मैं अस्पताल में जब जा रही थी तो मैंने सोचा, मैंने कि भगवान अगर आप जा रही हूँ तो एक पुत्र भी जरूर प्राप्त हो। मगर उस टाइम मैं गुरुजी का नंबर और फ़ोन अपना घर पर छोड़ गई थी। तो जब मैं अस्पताल में पहुँची तो मेरी घबराहट के मारे मतलब मुझे सांस नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि 1% है उम्मीद बचने की। तो फिर मैंने गुरुजी का ध्यान किया। मैं गुरुजी मुझसे गलती होगी, मैंने पहली बार आपसे अस्पताल जाते वक्त बात नहीं करी। जब मैंने बात करी जब मेरा बेटा हो चुका था, फिर मैंने गुरुजी से वक्त फ़ोन पे बात ना करके मम्मी से मालूम करवाया कि गुरुजी से कहना मुझे आशीर्वाद दे, मैं भूल गई थी गुरुजी को थोड़ी देर के लिए। अब ऐसा लगता है कि वास्तव में गुरुजी का रास्ता दिखाया हुआ कि कुछ टाइम के लिए भटक गई थी रास्ते से, मगर वो रास्ता अब सक्सेस की तरफ है और मेरा बेटा 6 महीने का है। ये सब कुछ मुझे आश्रम से ही मिला है और मुझे लगता है कि गुरु जो इस पृथ्वी पर होता है हमें हर रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सरिता है और मैं गजरौला से हूँ और मेरी पोस्टिंग गजरौला सुल्तान ठेर में है। मैं प्राथमिक प्राइमरी में टीचर हूँ और मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैं जूनियर में हूँ उस टाइम। ये सब कुछ मुझे इस आश्रम से ही मिला है। मुझे नहीं लगता था मैं एक टीचर बन पाऊँगी, मगर मुझे गुरुजी के द्वारा बताया हुआ कि हाँ कोई रास्ता अगर हम पकड़ते हैं तो गुरुजी अगर हमें रास्ता सही दिखाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम जय मोहन सिंह रावत है और मैं गुरुजी को 30 साल से जानता हूँ और गुरुजी हमारे ब्रह्मचारी हैं और इनके आश्रम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पर बहुत ही परेशानियाँ आईं, इन्होंने रोक दी मेरी परेशानियाँ। और जितनी भी परेशानियाँ आती हैं वो शुरू में ही रोक देते हैं गुरुजी। और मेरे मित्रों का उद्धार हुआ है और विदेशों में भी गुरुजी इन्हें सहायता करी है, लोगों के जिनके बच्चे नहीं होते हैं या बिजनेस में परेशानी होती है तो मैं उन लोगों से गुरुजी के दर्शन करवाता हूँ और सत्य ओम सिद्धाय नमः का मंत्र का जाप करवाता हूँ। मैं रशिया में रहा, मैं सुचास खचू सोई दुर्ज्याम अत्रावित एता सबसेनिया मोई एता उचितिल ओचिन खरशो उत्ताइना इजनायत एता मीरे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मोई इजना कोमे खरशु चितायत वैरसिये यह खचू सबसित उनास प्यारवी अनवरे द्वेतिशिश देवितना सिस्तम गदु बुदित ऊचिन बलशोई मालितवा इज्जिस बुदित चलावेक पश्ती विदिशातिशिश नारोद बुदित यह खचू भी तुझे ऐता सत्योम सिद्धाय नमे मालितवा चिताये थे बस बुदित सो प्रॉब्लम जशिता बुदित।